मुंबई एनसीपी के पूर्व जोनल डायरेक्टर आईआरएस ऑफिसर समीर वानखेड़े पर ईडी का एक्शन हुआ है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग केस में फंसाकर 25 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगा है समीर वानखेड़े पर। मई 2023 में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी इस मामले में, जिसमें 50 लाख रुपए एडवांस लेने का भी जिक्र है और इसी को आधार बनाकर अब ईडी ने केस दर्ज किया है। जांच को लेकर कुछ लोगों को ईडी का समन भी सामने आया है। तो एक बहुत बड़ी खबर है, समीर वानखेड़े जो कि आर्यन केस को देख रहे थे और इसी सिलसिले में 25 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप उन पर लगा, इसी केस में समन जारी किया गया है। कुछ और लोगों को भी समन जारी किया गया है। इस मामले में सीबीआई जांच पड़ताल कर रही थी। मई 2023 में एफआईआर भी दर्ज की गई। 50 लाख रुपए एडवांस लेने का जिक्र भी इस एफआईआर में है और इसी आधार पर ईडी ने केस दर्ज किया है। हमारे साथ जितेंद्र शर्मा इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, एक बड़ा मामला, समीर वानखेड़े को समन जारी किया गया इस मामले में और कुछ और लोगों के खिलाफ भी समन जारी हुआ है, विस्तार से बताइए क्या मामला है? समीर वानखेड़े जाहिर सी बात है बड़ा, क्योंकि इससे पहले सीबीआई ने केस रजिस्टर किया था और अब ईडी ने पीएमएलए के तहत भी केस रजिस्टर किया है। जिस समीर वानखेड़े को जल्द समन किया जाएगा, इसके अलावा उनके जो करीबी हैं जो इस पूरे मामले बहुत थे समीर वानखेड़े के साथ, उन सभी लोगों को भी इस केस के अंदर समन किया जाएगा। दरअसल सीबीआई ने पिछले ही साल 25 करोड़ रुपए रिश्वत लेने के मामले में समीर वानखेड़े के खिलाफ केस रजिस्टर किया था। आर्यन खान से रिश्वत को बचाने के एवज में रिश्वत लेने का यह पूरा मामला था। और जितेंद्र, तो मामला काफी सुर्खियों में आया था और इस पूरे मामले पर अब समीर वानखेड़े की मुश्किलें ही काफी बढ़ती हुई नजर आ रही। शुक्रिया आपका।